Hi guys, my name is Surveshi and welcome back to my channel. So this is the most requested video because of course this is summer time and who doesn't need a good sunscreen. So here I am with my top 10 recommendations for all skin types. So without wasting much time, let's get started. एक सेकेंड, वीडियो चालू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप वीडियो देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो. सो पहले सब्सक्राइब करो फिर वीडियो आगे देखना. सो माई फर्स्ट रिकमेंडेशन इज फ्रॉम सेंट बोटानिका एंड इट्स देयर एलोवेरा ग्रीन टी एंड कोकुम्बर सनस्क्रीन SPF 50 विथ UVA एंड UVB PA++++. दिस इज हाउ द सनस्क्रीन लुक्स लाइक एंड you can see it here, how is the texture of this sunscreen. And I guess ये sunscreen सारे skin types के लिए है because ये थोड़ा creamy texture है. As you can see, of course, ये थोड़ा creamy texture ज़रूर है लेकिन ये आपकी skin को oily नहीं feel कराता है. कुछ sunscreens है जो आपकी skin को लगाने के बाद कुछ time बाद थोड़ा oily feel आता है, but ये sunscreen बिल्कुल भी oily feel नहीं होती है. So I guess all skin types can use this and इसमें थोड़ा हल्का सा white cast आता है. So if you have dry skin or combination skin or you have normal skin तो आप ये ज़रूर try कर सकते हो. अगर आपकी oily skin है तभी भी आप try कर सकते हो, there is no issue. In case आपको glow पसंद है, आपको बिल्कुल matte sunscreen नहीं पसंद, तो आप ये try कर सकते हो. Next I have a sunscreen for the sensitive skin type people and this is from Episoft AC Moisturizer Sunscreen. This is how the packaging looks like. और I can definitely say कि अगर आपकी sensitive skin है तो आपको ये suit करेगी, because मेरी मामा की बहुत ज़्यादा sensitive skin है और उन्हें और कोई भी sunscreen suit नहीं करती है. So her dermatologist recommended this sunscreen and ये काफ़ी moisturizing है और at the same time ये बिल्कुल भी oily feel नहीं होती है. So I will highly recommend you all this sunscreen if you have sensitive skin. नेक्स्ट आई हैव दिस मिनिमलिस्ट सनस्क्रीन मल्टी विटामिन SPF 50 एंड इसका कैप मैं खो चुकी हूँ. मैंने इसको बहुत यूज़ कर लिया है क्योंकि और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि लगाने के बाद थोड़ा ऑयली फील होता है. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको ये बहुत पसंद आने वाली है और मुझे तो पसंद आती है, बट मेरी ड्राई स्किन नहीं है, मेरी नॉर्मल स्किन है, बट आई लाइक इट. बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको बिल्कुल भी ना खरीदें. और या सो दिस इज़ गुड अगर आपकी ड्राई या नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट सनस्क्रीन इज़ फ्रॉम रीक्वल एंड दिस इज़ देयर SPF 50 और ये वाली जो सनस्क्रीन है ये है उनकी, दिस इज़ नॉट मैट वेरियंट और ये ड्यूई फिनिश सनस्क्रीन है एंड ये वैसे तो ऑयली फील नहीं होती है, बट स्टिल मैं रिकमेंड नहीं करूँगी अगर आपकी ऑयली स्किन है तो. बट ड्राई स्किन यू आर गोइंग टू लव दिस. आई लव दिस सनस्क्रीन और मेरे पास बहुत कमी बची है. वैसे सारी सनस्क्रीन मैंने बहुत यूज़ कर ली है बिकॉज आई हैड टू मेक दिस वीडियो. सो मैंने काफ़ी सनस्क्रीन ट्राई कर ली है और ये वाली आपको बहुत पसंद आएगी एंड यू कैन सी द टेक्सचर. और अगर आपको ड्यूई फिनिश सनस्क्रीन पसंद है so you will love it. I have this sunscreen from the Dermaco and this is their SPF 60 ultra matte sunscreen gel and अगर आपकी oily skin है, you guys you have a sunscreen for yourself. और इसका जो texture है वो बहुत gel like consistency है as it is mentioned and ये बहुत ज़्यादा एकदम से matte sunscreen होती है वैसा नहीं है. ये बहुत अच्छी है और you know like कुछ कुछ सनस्क्रीन्स होती है मैट सनस्क्रीन्स जो एकदम ऐसे भूत जैसा दिखाती है. मुझे इसलिए मैट सनस्क्रीन्स बिल्कुल नहीं पसंद आती है कि उसमें मैट सनस्क्रीन होने का एक डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि वो वाइट कास्ट छोड़ देती है. बट ये वाली सनस्क्रीन बहुत अच्छी है. आई हैव ट्राइड इट एंड बिकॉज ये बहुत अल्ट्रा लाइट है, यहाँ पर लिखा भी है, ऑयल फ्री भी है. सो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन गो फॉर इट. नेक्स्ट अगेन फॉर ऑयली स्किन टाइप पीपल आई हैव दिस सनस्क्रीन फ्रॉम रिवेला लाइट. I hope I am pronouncing it right and this is their SPF 50 PA++++ and ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी नहीं है, ये डर्माको वाले से काफ़ी डिफरेंट है. ये मूस टेक्सचर में है. सो अगर आपको मूस ही टेक्सचर पसंद है इन योर सनस्क्रीन सो यू कैन गो फॉर दिस. और ये ऐसा सनस्क्रीन है एक जिसमें यू गेट टिंटेड सनस्क्रीन, राइट. सो अगर आपको BB क्रीम लगाना पसंद है या बहुत
कम कवरेज की कोई चीज़ लगाते हो आप, लाइक लैक्मे सीसी क्रीम हो गया या पॉन्ड्स की बीबी क्रीम हो गया, तो आपको वो अलग से लगाने की नीड नहीं होगी अगर आप ये सनस्क्रीन लगाओगे, क्योंकि ये टिंटेड सनस्क्रीन है। एंड अगर आप मेरे स्किन टोन के आसपास हो या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे आसपास हो, सो आपको ये जो शेड है, इसमें कोई शेड तो रहते नहीं है वैसे, सो आपको इसलिए तब ये सूट हो जाएगा। सो दिस आई विल रिकमेंड फॉर ऑल द ऑयली स्किन टाइप गर्ल्स और बॉयज़। एंड अगर आप कॉलेज या स्कूल जाते हो तो आपके लिए तो ये बेस्ट सनस्क्रीन है, क्योंकि आपको और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आई हैव अ सनस्क्रीन फ्रॉम ऑर्गेनिक हार्वेस्ट एंड इट इज़ दिस ऑल स्किन टाइप सनस्क्रीन फ्रॉम SPF 50 PA++++ UVA and UVB. This is matte finish and water resistant. So this is how the packaging looks like. And इसका टेक्सचर भी क्रीमी ही है। वैसे है कि सारी सनस्क्रीन का टेक्सचर जो है वो थोड़ा बहुत क्रीमी रहता है, उनका जो फिनिश होता है वो डिफर करता है। तो ये मैट सनस्क्रीन है, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तभी भी आपको ये सनस्क्रीन एकदम बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं लगेगा, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको तो ये बहुत पसंद आने वाला है। एंड यहाँ लिखा है दैट दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको तो वैसे भी हर प्रोडक्ट को पहले पैच टेस्ट करना चाहिए और फिर ही यूज़ करना चाहिए। सो दिस ऑल्सो आई लाइक। एंड अगर आपका ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसका पैच टेस्ट लो और फिर ट्राई करना। ओके, सो वी आर ऑन आर सेकेंड लास्ट सनस्क्रीन एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड सी कॉज एंड दिस इज द सन शील्ड SPF 50 PA++++ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। बहुत ही क्यूट है। और ये सनस्क्रीन के बारे में क्या ही बोलूँ, जब से ये आई है तब से मैं पागल हो गई हूँ ये सनस्क्रीन के पीछे। इसका टेक्सचर जो है वो बहुत क्रीमी है, एज आई सेड सारी सनस्क्रीन का टेक्सचर मुझे लगता है सेम ही होता है, बट ये जब आप लगाते हो इजी टू ब्लेंड एंड इज वेरी लाइट वेट, प्यारा स्प्रेड होता है, इट हैज अ वेरी जेल लाइक कंसिस्टेंसी एंड लीव्स नो व्हाइट कास्ट, इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, दिस इज नॉन स्टिकी एंड फ्रेग्रेंस फ्री। And this sunscreen gives me such a beautiful glow. I absolutely love it. सनस्क्रीन लगाने के बाद तो ये सारे स्किन टाइप्स के लिए आई विल हाईली रिकमेंड दिस सनस्क्रीन। एंड आई गेस यू कैन बाय दिस फ्रॉम अमेजोन पे ही अवेलेबल नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम पे इनका ब्रांड चेक कर सकते हो, बिकॉज मुझे इंस्टाग्राम से ये सनस्क्रीन आई थी, सो मुझे आइडिया नहीं है कि ये अमेजोन पे अवेलेबल है कि नहीं, बट इंस्टाग्राम पे आप इसको चेक। आई हैव दिस सनस्क्रीन फ्रॉम सेंट बोटानिका एंड दिस इज़ द विटामिन सी सनस्क्रीन और ये है SPF 30 PA++++ UVA UVB एंड दिस इज़ अ मिनरल बेस्ड वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन। सो दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। एक पम्प बेस्ड पैकेजिंग में आता है, वेरी क्यूट। और ऐसी पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता, आपको जितना चाहिए होता है उतना ही निकाल सकते हो। सो ये वाली सनस्क्रीन भी आई थिंक कि ऑयली स्किन टाइप पीपल भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑयली फील नहीं होती है। और ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, यू गाइज आर वेरी लकी, आप कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा मैट फिनिश नहीं देती है। सो ये सनस्क्रीन तो वैसे बिल्कुल नहीं है, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। एंड जो मैंने मैट सनस्क्रीन आपको रिकमेंड की वो भी बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं है, सो यू कैन सी द टेक्सचर, ये भी काफ़ी क्रीमी है, और ये बाकी सारे सनस्क्रीन से थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विडी है, बट स्प्रेड करने के बाद ये बहुत ज़्यादा ऐसे ऑयली फिनिश नहीं देता है, आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट द लास्ट सनस्क्रीन मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे ट्यूब्स ख़त्म कर दिए हैं, और लास्ट ट्यूब मेरे ध्यान में नहीं था कि मुझे वीडियो के लिए रखना है, सो मैं फेंक चुकी हूँ। एंड द सनस्क्रीन आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ फ्रॉम न्यूट्रीजिना। आई होप आप सबने उसका नाम सुना ही होगा वैसे, बट दैट सनस्क्रीन वॉज रिकमेंडेड टू मी बाय माई डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड वो बहुत अच्छी सनस्क्रीन है अगर आपकी ड्राई स्किन है और कॉम्बिनेशन या नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन टाइप नहीं आपको नहीं पसंद आएगी। एंड बट अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, यू गाइस आर गोइंग टू लव इट, वो बहुत अच्छा फिनिश देती है, बहुत अच्छा ग्लो देती है, और ऐसे लगता है जैसे आप कुछ लगा के आए हो उसके ऊपर से। लाइक अगर हम बीबी क्रीम लगाते हैं या सीसी क्रीम्स लगाते हैं, तो जो ग्लो होता है ना, स्किन टिंट तो नहीं है उसमें, बट जो ग्लो होता है ना, वो ग्लो बहुत डिफरेंट है, इन सनस्क्रीन्स में वैसा ग्लो नहीं है। तो दैट वॉज इट। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन सी सनस्क्रीन पसंद है, सो आई विल चूज़ द न्यूट्रीजिना वन ऑफकोर्स, और द सी क्लॉस वन, वो भी बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इन केस आप कोई सनस्क्रीन चाहते हो मैं ट्राई करूँ, सो यू कैन लीव द
recommendation for me in the comment section below. And I hope you guys like this video. I'll see you very, very soon in my next video. Till then, bye.